नमस्कार दोस्तों, सीसी के इस लाइव रिसर्च लेक्चर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मित्रों, बताना चाहेंगे कि आज के इस सेशन में हम बात करेंगे शून्यवाद दर्शन पर। हमने पहले भी इस टॉपिक पर, इस विषय पर बात करी थी। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और शून्यवाद दर्शन इस विषय के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं। बताना चाहेंगे कि इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक बार फिर से हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अजय वर्मा। डॉक्टर अजय वर्मा सेंटर फॉर फिलोसफी स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज JNU से हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जो भी सामग्री हम इन लाइव रिसर्च लेक्चर्स के माध्यम से आप तक उपलब्ध कराते हैं ये आपके लिए लाभप्रद होती है। और हम ये बताना चाहेंगे कि डॉक्टर राजय वर्मा निरंतर सीसी के लाइव रिसर्च लेक्चर्स के माध्यम से आप तक वो सामग्री पहुंचाते हैं। तो आइए तहे दिल से स्वागत करते हैं डॉक्टर राजय वर्मा का। डॉक्टर वर्मा, आपका एक बार फिर से स्वागत है। नमस्कार दर्शकों, जैसा कि आपको याद होगा, हमने अपने पिछले लेक्चर में बात की बौद्ध दर्शन के विषय में, जिसमें हमने ये जाना कि किस प्रकार बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात जो उनके फॉलोअर्स थे, उनके जो शिष्य थे, उनमें यह एक मतभेद उत्पन्न हुआ कि किस प्रकार से जो बुद्ध की टीचिंग्स थी, उनकी जो शिक्षाएं थी, उनको किस प्रकार से एक फिलोसॉफिकल, एक दर्शन का रूप दिया जा सके। यहाँ पे हम दर्शन के रूप से हमें समझना होगा कि किस प्रकार से उनकी जो शिक्षाएं थी, उनको एक दार्शनिक रूप देकर के उनको किस प्रकार से आगे आने वाले व्यक्तियों के लिए उनको बचाया जा सके। इस विषय को लेकर के दो मत सामने प्रस्तुत हुए। इस विषय में हम यह भी जानते हैं कि विभिन्न विषयों को लेकर के तीन बार बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुई, जिसमें इस विषय पर प्रमुखता से चर्चा की गई और जिसमें कि दो मुख्य मत उभर के आए, दो डिफरेंट ग्रुप्स जो थे उनके शिष्यों के वो सामने आए, जिनमें से एक ओम हीन यानी कहते हैं, जिनके अनुसार बुद्ध की शिक्षाओं को पोस्टेरिटी के लिए, आगे आने वाली अब जनरेशन्स के लिए इस तरीके से बचाया जा सकता है कि उनको हम वर्ब अटेम, जैसे उन्होंने जिस प्रकार से उन्होंने उपदेश दिए, उसी प्रकार उनको उसी रूप में उनको लिख दिया जाए और इस प्रकार से जो ग्रंथ तैयार होंगे वो बुद्ध की शिक्षाओं को रिप्रेजेंट करेंगे, वो बुद्ध की शिक्षाओं को प्रिजर्व करेंगे। तो इस प्रकार से ऐसा उनका मानना था। तो क्योंकि बुद्ध प्रमुख रूप से जो उस समय की जो प्रचलित भाषा थी, जो आम लोगों के बीच जो प्रचलित भाषा थी पाली, उसमें ही अधिकतर लोगों को संबोधित करते थे, तो इनमें से अधिकांश जो हीन यानी जो उनके बुद्ध के जो शिष्य थे, उन्होंने उनकी जो पाली में दी गई शिक्षाओं को जहाँ तक हो सका वैसा के वैसा उन्हीं के शब्दों में उनको प्रस्तुत करने की कोशिश की। उनका रिकॉर्ड्स, जिस प्रकार से उन्होंने देखा बुद्ध को जगह जगह विभिन्न स्थानों पर उन्होंने प्रवचन देते पाया, उनको उन्होंने वैसा रिकॉर्ड करने की कोशिश की। इसमें बहुत से फिलोसॉफिकल डिस्कशंस भी आते हैं, और तो ये प्रमुखता से ये एक रिकॉर्ड्स हैं जो कि उनके प्रवचनों के वैसे रिकॉर्ड्स। इसमें बहुत से प्रवचन इस प्रकार के हैं जिनमें तत्वमीमांसीय जो इन्वेस्टिगेशंस हैं उनको हम पाते हैं, चाहे वो ज्ञान मीमांसी हैं, तत्व मीमांसी हैं, दर्शन के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित। किंतु प्रमुख रूप से जो हम उनकी जो शिक्षाएं पाते हैं और जो इन टेक्स्ट में जो हमें का जो कंटेंट है, वो जो हमें जब हम उसको पढ़ते हैं तो पाते हैं कि इसमें एथिकल प्रिसेप्ट्स का जिक्र बड़ी प्रमुखता से आता है, जिसमें विनय पिटक में जो 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 कंटेंट है वो मेनली उनके जो एथिकल प्रिसेप्ट्स यानी कि उनके जो नैतिक दर्शन है उसको लेकर के हैं, जिसमें संघ में किस प्रकार से रहा जाए, बौद्ध भिक्षु को किस प्रकार से रहना चाहिए, उसका कंडक्ट कैसा होना चाहिए, उसका आचरण कैसा होना चाहिए, उसको किस प्रकार से खाना चाहिए, उसको किस प्रकार से आचरण करना चाहिए, उससे संबंधित विभिन्न जो
प्रिसेप्ट्स हैं, उनकी जो मान्यताएं हैं बौद्ध दार्शनिकों की, वो इसमें हमें प्रदत्त दिखाई पड़ती हैं। किंतु उसके अतिरिक्त जो एक ग्रंथ पाली दर्शन में जो हमें हमारे सामने प्रस्तुत होता है, जिसमें उनके जो जिसमें उनकी दार्शनिक मान्यताएं, जो प्रमुख दार्शनिक मान्यताएं हमारे सामने आती हैं, जो हमें दर्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, दर्शन के परिप्रेक्ष्य से उनकी जो उनकी ज्ञान मीमांसा, उनकी सत्य मीमांसा को एक तरीके से रिप्रेजेंट करती है, वह जो ग्रंथ है वह अभिधम्म टेक्स्ट। उसमें हमने जाना कि किस प्रकार से काफ़ी उनका जो बौद्ध धर्म का, बौद्ध दर्शन में जो प्रतीत समुत्पाद का जो कि जो अवधारणा है, उसकी वह किस प्रकार से एक इंटरप्रिटेशन प्रस्तुत करते हैं। उनके अनुसार जो संसार में चाहे विभिन्न वस्तुएं हैं, चाहे हम अपने मानसिक जगत के विषय में बात करें, चाहे हम भौतिक जगत के विषय में बात करें, उनके अनुसार प्रत्येक वस्तु, चाहे वो हमारे आइडियाज हों, हमारे प्रत्यय हों, चाहे जो विभिन्न वस्तुएं हम सामने देखते हैं वे हों, वे कुछ सूक्ष्म भागों से मिलकर के बनी होती हैं। और उनके अनुसार जब तक और जब वह वस्तु नहीं रहती, क्योंकि उसका वह प्रत्येक वस्तु उनके अनुसार क्षणिक है, तो जब वह वस्तु जब नहीं होती तो तब वो जितने भी अवयव हैं वे डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, वे विभाजित हो जाते हैं, वे अलग अलग हो जाते हैं। किंतु उनके अनुसार जो ये इसको हम स्कंदवाद की भी संज्ञा देते हैं, तो उनके अनुसार ये जो विभिन्न जो समूह बनते हैं इन प्रमुख अवयवों से, वे भले ही क्षणिक हों, वे संरचना में आते हैं तथा विघटित हो जाते हैं, किंतु जो उनके सूक्ष्म अवयव हैं वे रहते हैं। और इसी विषय को लेकर के उनका महायानियों से इस संदर्भ में विशेष एक मतभेद था, क्योंकि जहाँ तक शून्यवाद दर्शन की बात है महायान में, उनके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु, चाहे जिसके अंदर भी यहाँ पर जो सब शब्द है उसका अर्थ है सभी कुछ, विदाउट एनी एक्सेप्शन, किसी भी अपवाद के बिना संसार में सभी कुछ उनके अनुसार शून्य है। तो उनके वे जो ही शून्यवादी दर्शन है वह प्रतीत समुत्पाद का एक बहुत अलग तरीके का इंटरप्रिटेशन उसकी हमारे सामने प्रस्तुत करता है। तो इस प्रकार से जो जो एक मतभेद जो हीनयान और महायान के रूप में प्रस्तुत होता है, जो शुरू हुआ, वह शून्यवाद दर्शन में आकर के वो थोड़ा और उसका प्रारूप जो है और ठोस हो जाता है। और ये प्रतीत समुत्पाद तथा अन्य भी कुछ दार्शनिक संदर्भों में जो हीन यानी या अभिधम्मिक जो दार्शनिक थे तथा जो शून्यवादी दार्शनिक थे उनके बीच में मतभेद और प्रमुखता से शून्यवाद दर्शन में हमारे सामने प्रस्तुत होता है। तो शून्यवाद दर्शन में ना केवल जो शून्यवादी दार्शनिक थे वे ना केवल अपने जो दूसरे जो उस समय मत प्रचलित थे जिनमें न्याय, सांख्य वगैरह शामिल हैं, वो ना केवल उनसे डिबेट्स कर रहे थे, वाद विवाद कर रहे थे, बल्कि वे प्रमुखता से शून्यवादी दार्शनिक अपने हीन यानी काउंटर पार्ट्स, उनके जो बुद्धिज्म के अंदर ही जो विभिन्न मत थे, वे उनसे भी वाद विवाद में संलग्न थे। इस प्रकार से शून्यवाद के बहुत से जो ग्रंथ हैं उसमें हम पाते हैं कि जो वाद विवाद प्रस्तुत हो रहा है, आर्ग्यूमेंट्स, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स जो प्रस्तुत हो रही हैं, वे बौद्ध दार्शनिकों के बीच ही हैं, जिसमें कि प्रमुखता से हमारे सामने जो मतभेद है हीनयानियों के, स्पेशली जो अभिधम्मा टेक्स्ट है उसको लेकर के, और जो शून्यवाद दर्शन है उसमें दो अलग अलग मतों के बीच में हम काफ़ी सारे डिबेट्स पाते हैं। किंतु इस बारे में हम और डिस्कशन करने से पहले हमें शून्यवाद दर्शन के विषय में उनके लिटरेरी सोर्सेज के बारे में एक अवलोकन करना वांछनीय है। तो अगर हम उनके शून्यवाद दर्शन के लिटरेरी सोर्सेज के बारे में बात करें तो हम पाते हैं कि शून्यवाद दर्शन मुख्य रूप से नागार्जुन द्वारा सामने लाया गया, और इसमें भी जो उनके
एक प्राचीन जो एक ग्रंथ था जिसका जिसका नाम था प्रज्ञा परमिता सूत्रस, वह और जिसके जिसके लेखक के विषय में हमारे पास कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, तो ये प्रज्ञा परमिता सूत्रस जो उस समय के जो प्रमुख दार्शनिक थे नागार्जुन, उनके सामने प्रस्तुत हुए। इस विषय में लेकर के भी बहुत सी कहानियां प्रचलित हैं। ऐसा माना जाता है कि नागार्जुन जो कि इस मत के प्रवर्तक थे, मुख्य प्रवर्तक थे, वे आंध्र में उनका जन्म हुआ तथा ये ऐसा माना जाता है कि वे बहुत सी दर्शनों में निष्णात थे, जिसमें कि मैजिक वगैरह का भी हम जिक्र पाते हैं। तो एक कथा के अनुसार जो ये प्रज्ञा परमिता सूत्र जो थे, ये अबिस में अर्थात धरती के कहीं नीचे कहीं छिपे हुए थे और कुछ किसी नाग लोक में वो वे एक वेल गार्डेड रूप में वो प्रिजर्व रहे, और जब उनको जानने की उनको समझ पाने की क्षमता रखने वाला एक व्यक्ति सामने आया, तो जो उस समय के जो नाग लोग से वो उसको सामने प्रस्तुत किया गया नागार्जुन के, और इसी और एक मान्यता के अनुसार इसी प्रकार से उनका नाम भी नागार्जुन के रूप में सामने आता है। किंतु यहाँ पर यह कथा से हमें कोई बहुत विशेष सरोकार नहीं, केवल यहाँ से हमें इतना ही समझना चाहिए कि यहाँ पर प्रॉब्ली कहने का अर्थ ये है कि प्रज्ञा परमिता सूत्रस में जिस प्रकार की हम शिक्षाएँ पाते हैं, जिस प्रकार का दर्शन हम पाते हैं, वो एक प्रकार से इजोटेरिक था, जिसका अर्थ यह है कि वो इस भाषा में, किसी गूढ़ भाषा में, किसी एक तरीके की सांध्य भाषा में लिखा गया था, जिसको समझना हर एक के लिए संभव नहीं था। तो वह एक अलग ही तरीके से लिखा हुआ उस समय ऐसा मान्यता है ग्रंथ था, और उस समय जो ग्रंथों की भाषा थी वह कुछ भिन्न थी। तो उस ये जो प्रज्ञा परमिता सूत्रस में जो उस समय की एक दर्शन, बौद्ध दर्शन जो प्रस्तुत होता है, जो कि थोड़ा एक अलग गूढ़ भाषा में लिखा हुआ है, नागार्जुन ने पहली बार उसको एक सिस्टमैटिक उस समय की भाषा को का प्रयोग करते, उस समय दर्शन शास्त्र से रिलेटेड जो इश्यूज जिस प्रकार से डिस्कस किए जाते थे, जिस भाषा में डिस्कस किए जाते थे, भाषा से अर्थ यहाँ पर केवल संस्कृत या उससे नहीं है, अर्थात जिस प्रकार की अवधारणाओं को लेकर के वो डिस्कशंस किए जाते थे, तो नागार्जुन उस प्रकार से प्रज्ञा परमिता सूत्र में जिस प्रकार के दर्शन हमें प्राप्त होता है, उसको उन्होंने उस समय के प्रचलित रूप में हमारे सामने रखा। बहुत से ऐसे ग्रंथ हैं जिनको माना जाता है कि नागार्जुन द्वारा लिखे गए हैं। नागार्जुन का नाम एज मैटर ऑफ फैक्ट बहुत सारे उस समय के ग्रंथों के साथ जोड़ा जाता है, किंतु विभिन्न विद्वानों का यह सहमत है कि शायद बहुत से जो ग्रंथ हैं उस समय वो जरूरी नहीं है कि नागार्जुन द्वारा ही लिखित हों। इसलिए प्रमुख रूप से कुछ ग्रंथ जो कि जिनके विषय में हम एक निश्चितता से कह सकते हैं कि नागार्जुन द्वारा ही लिखे गए हैं, उनमें प्रमुख हैं मूल मध्यमिका कारिका, जिसको जो कि विभिन्न कारिकाएं हैं जो बुद्धिज्म में, बौद्ध दर्शन में जो मध्यम प्रतिपाद का नोशन है उसके विषय में इसमें बहुत सा डिस्कशन है, और इसमें बहुत सारे डिबेट्स हैं। जिस प्रकार की अभिधम्मिक दर्शन में हम जिस प्रकार के विचार सामने पाते हैं, उनको उनका खंडन शून्यवादी परिप्रेक्ष्य से हम इस ग्रंथ में पाते हैं। तो मूल मध्यमिका कारिका शून्यवाद का एक बहुत ही शायद सबसे प्रमुख ग्रंथ माना जाता है, जिसमें कि प्रज्ञा परमिता सूत्र की जितनी भी मुख्य दार्शनिक विचार जो हैं उनको एक नए संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है।
तो मूल मध्यमिकारिका के विषय में हम अभी आगे और बात करेंगे। अन्य जो ग्रंथ हैं जो माना जाता है नागार्जुन द्वारा लिखे गए, वह हैं उनमें से हैं शून्य सप्तति, जो कि 70 वर्सेज हैं, 70 कारिकाएं हैं, उनकी जो शून्यता का की जो अवधारणा है उस पर। उसके अतिरिक्त एक बहुत प्रमुख ग्रंथ जो नागार्जुन द्वारा रचित है ऐसा माना जाता है, वह है विग्रह व्यावर्तिनी, जिसका अर्थ है वाद विवाद का अंत, डिस्पेलर ऑफ डिस्प्यूट्स। इसके अतिरिक्त विदल्य प्रकरण, जिसका अर्थ है कि कैटेगरीज, जिनको पदार्थ जैसे कि अवधारणा होती है उनका खंडन। उसके अलावा अतिरिक्त व्यवहार सिद्धि, जिसमें कि जो विभिन्न तत्वमीमांसीय, सत्तामीमांसीय, ज्ञानमीमांसीय जो अवधारणाएं हैं उनको व्यवहार से, उनको नीति शास्त्र से जोड़कर एक दर्शन प्रस्तुत किया गया है, जिसका नाम है व्यवहार सिद्धि। इसके अतिरिक्त युक्ति षष्टिका एक अन्य ग्रंथ है नागार्जुन द्वारा, जिसमें कि 60 कारिकाएं हमारे सामने प्रस्तुत होती हैं। ये मुख्य प्रकार से, जैसा कि हम नाम द्वारा ही देख सकते हैं, युक्ति जिसका अर्थ है रीजनिंग, लॉजिक, तो ये इसके ऊपर इसमें 60 विषयों पर विचार किया गया है। इसके अतिरिक्त जो अन्य लिटरेरी सोर्सेज हैं वो हैं चतुस्तव, अर्थात एब्सोल्यूट रियलिटी के विषय में एक गान, रत्नावली, जो कि एक बहुत ही अलग प्रकार का ग्रंथ है, जिसमें जो कि एक पत्र व्यवहार के, जिसको कि अंग्रेजी में कहते हैं एपिस्टोलेटरी, एपिस्टल्स के फॉर्म में लिखा हुआ है, जिसमें कि नागार्जुन उस समय के जो राजा हैं उनको विभिन्न पत्र लिखते हैं। ये उनका एक तरीके से कंपाइलेशन है, जिसमें वे उस समय राजा को विभिन्न अपनी विचार, उनको अपनी शिक्षाएँ प्रस्तुत करते हैं। और इसमें अगर फिलोसॉफिकली देखें तो कोई ज्ञान मीमांसी है, कोई तत्व मीमांसी है, दार्शनिक मान्यताएं हमारे सामने इस ग्रंथ में नहीं प्रस्तुत होती हैं। इसके अतिरिक्त प्रतीत समुत्पाद हृदय कारिका, अर्थात प्रतीत समुत्पाद की जो अवधारणा है उसकी जो सेंट्रल जो इम्पोर्ट है, उसका जो प्रमुख मान्यता है, प्रमुख जो उसका दर्शन है, उस पर उसके विभिन्न अवयवों के विषय में चर्चा हम पाते हैं। सूत्र समुच्चय ये एक अन्य ग्रंथ है जो नागार्जुन के द्वारा लिखित माना जाता है। बोधिचित्त विवरण, अर्थात बोधिचित्त, चित्त अर्थात माइंड, बोधि अर्थात एनलाइटेंड, तो जो एनलाइटेंड माइंड जो अर्थात जागृत मनस के विषय में इसमें हम बहुत सी कारिकाएं, इसके विषय में बहुत से विचार हमारे सामने इस ग्रंथ में प्रस्तुत होते हैं। उसके अतिरिक्त सुहरलेखा, ये भी कुछ रत्नावली की तरह ही कुछ लेटर्स हैं, कुछ पत्र हैं, पत्रों के रूप में उनका एक कंपाइलेशन हम पाते हैं, जो कि इसको ट्रांसलेशन है इसका, लेटर टू अ गुड फ्रेंड, अर्थात एक अच्छे मित्र को लिखे गए कुछ पत्र। इसमें भी हम कोई विशेष, इस ग्रंथ में हम कोई विशेष तत्वमीमांसीय या सत्तामीमांसीय या ज्ञानमीमांसीय कोई हम दार्शनिक वाद विवाद नहीं पाते हैं। इसके अतिरिक्त बोधि संभार, अर्थात एनलाइटनमेंट के लिए, निर्वाण के लिए के क्या क्या जरूरतें हैं, रिक्विजिट्स हैं, उनके विषय में ये ग्रंथ हमारे सामने प्रस्तुत होता है। किंतु जो दो प्रमुख ग्रंथ हैं जिनके जो कि एक ज्ञान मीमांसीय अपने जो उनके अंदर जो विवरण हम पाते हैं उसके 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 पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे लिए बहुत प्रमुख हैं, उनमें हैं मूल मध्यमिका कारिका तथा विग्रह विवर्तनी। इनके विषय में हम बाद में बात करेंगे, किंतु इससे पहले कि हम इन मूल ग्रंथों के विषय में बात करें, हमारे लिए यह जानना आवश्यक होगा कि शून्यवाद की प्रमुख मान्यताएं क्या हैं, अर्थात उनका जो
प्रमुख जो दर्शन है वह आखिर है क्या। इस विषय में हमें कुछ प्रश्नों का अवलोकन करना चाहिए। हमें इस विषय में यह सोचना चाहिए सर्वप्रथम कि हम दर्शन शास्त्र में किस प्रकार की समस्याओं के ऊपर हम विचार करते हैं। अगर हम इसमें दर्शन शास्त्र में अगर हम मेटाफिजिक्स को देखें, तत्वमीमांसा को देखें, तो वहाँ पर हम जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, हम तत्व के स्वरूप, तत्व का की संरचना, उसका स्वरूप वह है क्या, उसको किस प्रकार से परिभाषित किया जाए, उसको किस प्रकार से समझा जाए, ऐसे प्रश्नों पर हम विचार करते हैं। तो तत्वमीमांसा में के विषय में हम विचार करें, इससे पहले हमें इस शब्द तत्व के विषय में समझना जरूरी है। अगर हम देखें जो शब्द तत्व है वह शब्द तत् से बना है। तत् अर्थात वह या दैट, इससे हम ये अर्थ समझते हैं। जैसा कि फेमस जो महावाक्य है उपनिषदों में, तत् त्वम असि यू आर दैट, तो ये जो तत्व है इसी का एक दूसरे प्रकार का जो संज्ञा है, दूसरे प्रकार का जो नाउन है, एक प्रकार से जो जातिवाचक संज्ञा उसकी बना दी जाती है, जिससे उसका तत्व से ही हमारे सामने शब्द तत्व निकल करके हमारे सामने प्रस्तुत होता है। तो तत्व का अर्थ हो जाता है एक तरीके से दैटनेस ऑफ थिंग्स, ऐसा क्या है किसी किसी वस्तु के विषय में जो उस की दैटनेस को, जो उसके होने को, जो उसकी उसके होने मात्र को, उसकी वॉटनेस को, वह क्या है उसको डिफाइन करता हो, उसको परिभाषित करता हो, उसका ज्ञान हमारे सामने प्रस्तुत करता हो। तो तत्वमीमांसीय जो समस्याएं हैं उनमें हम प्रमुखता से जो जगत का स्वरूप या अगर उसको कहें वस्तुओं का स्वरूप, उनकी जो दैटनेस, वे क्या हैं, उसको हम परिभाषित करने की, वे प्रमुखता से उनको उनके विषय में जानना, उनके होने के विषय में जानना, इन प्रश्नों के विषय में हम विचार करते हैं तत्वमीमांसा के अंतर्गत। किंतु अगर हम इस विषय में विचार करें तो हम पाते हैं कि एक अगर हम कॉमन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऐसा लगता है कि संसार जो है हमारे सामने एक बड़ी क्लैरिटी के साथ प्रस्तुत होता है। संसार में आफ्टर ऑल हम जानते हैं कि ऑलरेडी जानते हैं, हम पहले से ही जानते हैं कि वस्तुएं कैसी हैं। इस विषय में विचार करना क्यों वांछनीय है, क्यों आफ्टर ऑल आखिर दार्शनिक संसार जो कि हमें पहले से ही, जिसके विषय में हमें लगता है कि हम पहले से ही जानते हैं, उस विषय में हम और किस विचार करना क्यों वांछनीय है, ऐसा ये समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि संसार या जगत की कोई भी वस्तु जैसा कि हमें जितना सीधे सीधे प्रकार से प्रस्तुत होती दिखाई पड़ती है, अगर हम उसको दार्शनिक नज़रिए से देखें तो वह इतनी क्लैरिटी, इतनी क्लियर प्रारूप के साथ हमारे सामने प्रस्तुत नहीं होती है जैसा कि हम मानते हैं। इस विषय को समझने के लिए शायद हम कुछ उदाहरण ले सकते हैं। जैसा कि हम अगर बहुत से शब्दों को देखें, हमें लगता है कि जैसे ही वो शब्द हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं तो हमें ऐसा लगता है अपने आम लोक व्यवहार में कि हम उनको तुरंत ही समझ लेते हैं, किंतु अगर हम उनकी एक क्लोजली परीक्षा करें, अगर हम उसको एग्जामिन करें तो हम पाते हैं कि उनके अंदर इतनी क्लैरिटी नहीं है जितना कि हम सोचते हैं। जैसे कि अगर हम कुछ उदाहरणार्थ कुछ शब्द लें, जैसे कि हम बात करते हैं किसी चीज़ के ढेर की, किसी चीज़ के समूह की, किसी कुछ व्यक्तियों के, कुछ ऑर्गेनिजम्स, किसी जानवरों के झुंड की, तो ये जो ग्रुप नाउंस होते हैं, ये जो समूहवाचक संज्ञाएं होती हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम तुरंत ही इन शब्दों का अर्थ समझ लेते हैं। हम जानते हैं कि किसी चीज़ का ढेर होने से क्या अर्थ होता है,
किंतु अगर क्योंकि अब एक दार्शनिक का जो रवैया होता है, जो उसका पर्सपेक्टिव होता है चीज़ों के प्रति, वो एक अलग प्रकार का होता है। दार्शनिक एक क्लियर डेफिनेशंस जानने के लिए उत्सुक होता है। तो अगर हम इसकी क्लियर डेफिनेशन, एक सीधी क्लियर परिभाषा अगर हम जानने की कोशिश करें, तो हम पाएंगे कि इसकी कोई परिभाषा देना, शायद कोई डेफिनेट ठोस परिभाषा देना शायद संभव ना हो। जैसे कि अगर कोई, फॉर एग्जांपल, उदाहरणार्थ अगर हम कहें कि गेहूं के दानों का एक ढेर है, अगर कोई व्यक्ति पूछे कि यह जो ढेर है अर्थात कितने दानों से बन जाता है, ढेर की संख्या की को किस प्रकार से परिभाषित करें, अगर हम गेहूं के दानों के ढेर की बात करें तो कितने दाने कम से कम चाहिए जिनसे कि वह इस प्रकार से प्रस्तुत हों कि हम उनको सही प्रकार से ढेर की संख्या दे सकें। अब इस बात का उत्तर देना बहुत मुश्किल है। अब से फॉर एग्जांपल अगर कोई कहे कि मान लिया अगर हमारे सामने 50 दाने रखे हैं, तो हम अगर हम पूछें कि क्या इसको ढेर कहना उचित है, तो शायद कोई व्यक्ति कहेगा हाँ, अगर मान लिया उसमें से हम 10 दाने और निकाल लें तो क्या यह अब भी ढेर है, कोई व्यक्ति कहेगा शायद हाँ, लेकिन अगर मान लिया उसमें अब 10 दाने ही रह गए तो थोड़ा सा हमारे लिए कहना और मुश्किल हो जाएगा कि अब इसको ढेर कहा जाए या ना कहा जाए। अब उसमें से अगर हम 2 दाने और निकाल लें, इसको बहुत क्लैरिटी के साथ परिभाषित करना अत्यंत ही मुश्किल है। तो इस प्रकार से ये कहना ढेर की अगर कोई एक हमसे बिल्कुल क्लियर परिभाषा मांगे तो ये कहना बड़ा ही मुश्किल है कि किस साइज के, किस आकार के, कितने दाने हमें एग्जैक्टली चाहिए कि हम उनको ढेर कह सकें। किंतु अगर हम दूसरी ओर देखें तो ये शब्द जितने भी हम भाषा में, हम अपनी आम लोक व्यवहार में जब कभी भी यूज़ करते हैं तो हमें तुरंत ही आभास होता है कि हम समझ जाते हैं, हम जानते हैं कि किस विषय में बात की जा रही है। लेकिन जैसा कि मैंने अभी कहा, एक फिलोसोफर का, एक दार्शनिक का एक बहुत अलग परिप्रेक्ष्य होता है। वह जगत को पूर्णतया परिभाषित रूप में देखना चाहता है, वो उसको एक अत्यंत क्लैरिटी के तौर पे देखना चाहता है। वह उसको एक आर्टवर्क के रूप में नहीं देखना चाहता कि उसकी विभिन्न प्रकार के इंटरप्रिटेशंस उपलब्ध हों, वह उसको एक बिल्कुल क्लैरिटी के साथ जो है उसको देखना चाहता है। लैंग्वेजेस में जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, जैसा कि बर्ट्रैंड रसल कहते हैं, उनको दूर करना दर्शन शास्त्र में एक प्रमुख समस्याओं में से एक है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ये विभिन्न जो संज्ञाएं हैं, इनको हम अपने आम व्यवहार में हम पाते हैं कि हम इनको समझते हैं, किंतु अगर हम इनकी सूक्ष्म परीक्षा करें तो हम पाते हैं कि शायद हम उनको इतनी स्पष्टता के साथ, इतनी क्लैरिटी के साथ नहीं, उनको कम से कम अगर हम समझ भले ही स्पष्टता से जाते हों, लेकिन उतनी ही स्पष्टता से हम उनको परिभाषित कर पाएं, उनकी कोई हम दार्शनिक परिभाषा दे पाएं, ऐसा हमारे लिए असंभव नहीं तो बहुत मुश्किल तो सर्टेनली ही है। तो इस प्रकार से जो शून्यवादी दार्शनिक है, वह यह मत जो है सामने प्रस्तुत करता है कि जो संसार है अथवा जगत है वह इतना स्पष्ट नहीं है, उसके अंदर कोई ऐसा स्पष्ट स्वभाव हमारे सामने प्रस्तुत नहीं होता। उसका जो तत्व है अर्थात जो उसकी इसका उसके उसके होने को पूर्णता परिभाषित करता हो, उसका जो मूल तत्व है उसकी एक स्पष्ट परिभाषा तक पहुंचना इतना आसान नहीं, कम से कम भाषा के नज़रिए से उसको उस परिभाषा तक उस एक स्पष्ट परिभाषा तक तत्व की पहुंचना इतना आसान नहीं है जैसा कि हमें अपनी आम लोक व्यवहार में प्रतीत होता है। इस विषय में हम और बात करेंगे। नमस्कार। Thank you.
नमस्कार दर्शकों, वापस आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमने अभी अभी इस विषय में बात की कि किस प्रकार से अन्य जितनी भी आस्तिक दर्शन हैं, जिनमें न्याय दर्शन जैसे यथार्थवादी दर्शन प्रमुख हैं, उनके अनुसार भाषा हमें जगत के स्वरूप को रिप्रेजेंट करने में, भाषा का जो प्रारूप है वह जगत के वास्तविक संरचना को हमारे लिए समझने में और हमारे सामने प्रस्तुत करने में पूर्णतया सक्षम है। इस प्रकार की मान्यता हम आस्तिक दर्शनों में पाते हैं। अब आस्तिक दर्शन जो हैं, उनको आस्तिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे वेदों की अथॉरिटी को, वेदों की सत्ता को, कि उनकी अथॉरिटी को प्रमुखता से मान्यता देते हैं। वेद जो हैं वे शब्द के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं, और क्योंकि वेद जो हैं वे हमारे सामने एक अल्टीमेट लेयर रियलिटी, परमार्थ सत्य को उपलब्ध कराते हैं, जैसा कि आस्तिक दर्शनों की मान्यता है। तो ये नेचुरल ही है कि जितने भी जो आस्तिक दर्शन हैं वे ऐसा मानेंगे कि भाषा पूर्णतया सक्षम है हमें जगत की वास्तविकता का दर्शन कराने में। किंतु अगर ऐसा होता तो हमारे लिए यह भी संभव होना चाहिए था कि भाषा में जितने भी प्रकार के शब्द हम प्रयोग करते हैं, वे जितने भी सत्ता मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा से जुड़े हुए प्रश्न, उनसे जुड़े हुए जितने भी शब्द हैं, उनको हम पूर्ण रूप से, पूर्ण स्पष्टता से हम उनको परिभाषित कर पाएं। किंतु बौद्ध दर्शन इस मान्यता का पूर्णतया खंडन करता है, खासतौर पर जो शून्यवादी बौद्ध दर्शन है उसमें इस मान्यता का पूर्णतया हम खंडन पाते हैं। इसमें हम देखते हैं कि शून्यवादी दर्शन के अनुसार जो जगत में प्रत्येक वस्तु जो है वह क्षणिक है, वह एक कांस्टेंट बदलाव, एक परपेचुअल फ्लक्स के से गुजर रही है। कोई भी वस्तु जो इस क्षण है वह अगले ही क्षण उससे एक विभिन्न वस्तु के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होती है, और क्योंकि वस्तु प्रतिपल बदल रही है इसलिए उसको किसी भी अवधारणा से बद्ध करके हमारे लिए जानना संभव नहीं हो सकता। तो लैंग्वेज जो कि स्टैटिक है, जो कि जो वस्तुओं में जो बदलाव है उसको कैप्चर करने में असक्षम है, तो जो इस प्रकार से वे भाषा को दर्शन के परिप्रेक्ष्य से असक्षम पाते हैं। इस विषय में हम और विस्तार से चर्चा करेंगे, किंतु जैसा कि हमने अभी जाना कि जो तत्व है, जो जिससे हम अर्थ समझते हैं कि विशेष तत्व, मूल तत्व किसी वस्तु का या संसार का क्या है, उस विषय में जब हम विवेचना करते हैं तो हम पाते हैं कि हमें हमारे लिए छोटे शब्द, समूहवाचक शब्दों की भी एक स्पष्ट परिभाषा देना अत्यंत कठिन है। हम दूसरे यू नो वस्तुओं की बात करना तो बहुत आगे की बात है। तो अब ये जानने के बाद कि जैसे समूहवाचक संज्ञाएं होती हैं उनमें किस प्रकार से वे झालकी हमें भाषिक रूप से बड़ी स्पष्टता से हमें ऐसा लगता है कि हमें बड़ी स्पष्ट समझ उनकी है, किंतु जब हम एक क्लोजर एग्जामिनेशन करते हैं हम उनको, तो हम पाते हैं कि उनकी कोई स्पष्ट परिभाषा देना कठिन है। हालांकि हम समझते हैं कि क्या कहा जा रहा है जब समूहवाचक संज्ञाएँ प्रयुक्त होती हैं, किंतु जब हम उनका एक दार्शनिक रूप से अवलोकन करते हैं, जब हम एक उनकी दार्शनिक परीक्षा करते हैं, तो पाते हैं कि उनका अर्थ आफ्टर ऑल इतना स्पष्ट नहीं है, अंततः इतना स्पष्ट नहीं है जैसा कि हम सोचते थे। अब इससे जो अगला प्रश्न उठता है वह यह है कि क्या संसार की, अगर हम समूहवाचक संज्ञाओं को छोड़ दें, तो संसार की जो अन्य वस्तुएं हैं क्या उनके विषय में भी ऐसा कहा जा सकता है? जैसे कि संसार की जो और सिंपलर और साधारण जो वस्तुएं हैं, जैसे कि घट, मेज, टेबल इत्यादि इत्यादि, कम से कम हम उन वस्तुओं को तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हम बहुत स्पष्टता से जानते हैं, जैसे कि न्याय दर्शन में विदित भी है
जैसे कि न्याय दर्शन में कहा भी जाता है कि संसार जो है हमारे सामने वैसा ही प्रस्तुत होता है जैसा कि वह है। संसार अपने विषय में किसी भी प्रकार से कोई छुपाव नहीं, मतलब हमारे सामने उसका कोई भी चीज, उसके विषय में कोई भी वस्तु हमसे हिडन नहीं है। तो संसार हमारे सामने, संसार की कोई भी वस्तु हमारे सामने उसी रूप में प्रस्तुत होती है जैसे कि वह है, और अपने पूर्णता के साथ, अपनी कंप्लीटनेस के साथ हमारे सामने प्रस्तुत होती है। तो मेज जो है वह हमारे सामने मेज के रूप में ही प्रस्तुत होती है, जो कुर्सियां हैं, जो चेयर्स हैं, वो हमारे सामने चेयर्स के रूप में ही प्रस्तुत होती हैं, और इसी प्रकार से हम उन्हें इसी कारण से तुरंत ही जान लेते हैं कि यह मेज है, यह है चेयर है, एंड सो ऑन। और उसका कारण ये है कि चेयर्स में चेयरनेस होती है, अर्थात मेज में मेजत्व होता है, टेबल में टेबलनेस होती है। तो उनके अनुसार एक सार तत्व होता है किसी भी वस्तु में, जो कि उस वस्तु के तत्व को, उसके होने को, वह क्या है, उसकी जो व्हाटनेस को परिभाषित करता है। तो मेज का मेजत्व, जो मेज के अंदर स्थित है, जो कि मेज में इनहरेंट है, जिसके लिए कि शब्द प्रयुक्त होता है समवाय, वह वस्तु में समवाय रूप में हमारे सामने स्थित है, जिसको कि हम देख सकते हैं। तो मेजत्व को हम देख पाते हैं, और उस कारण से हम इमीडिएटली, हम तुरंत ही जान पाते हैं कि यह वस्तु क्या है, यह वस्तु मेज है, क्योंकि उसके अंदर मेज का तत्व, मेज का सार तत्व, उसकी एसेंस जो है उसमें उसमें ऑलरेडी पहले से ही विद्यमान है। तो इस प्रकार से न्याय दर्शन के आधार पर जो वस्तुएं हैं वो जैसी हैं वैसे ही हमारे सामने प्रस्तुत होती हैं। भाषा वस्तु जैसी है उसको पूर्णतः वैसे ही हमारे सामने, उसको वैसे ही कैप्चर करती है हमारी अंडरस्टैंडिंग में, और उस प्रकार से हमें उसका ज्ञान बोध होता है। तो ज्ञान बोध, भाषा तथा वस्तु का तत्व, ये जो हैं परस्पर संबंधित एक तरीके से डोमेन बन जाती हैं, जिसके कारण से कि हम शब्दों को शब्दों में बद्ध करके वस्तुओं को वैसे ही जान पाते हैं जैसे कि हमारे सामने में प्रस्तुत हैं, और वैसा ही हम लोक व्यवहार करते हैं। तो न्याय दर्शन जो है वह लोक व्यवहार को भी एक 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 तौर पर एक एक युक्ति के रूप में प्रस्तुत करता है कि लोक व्यवहार में ऐसा ही किया जाता है, तो इस कारण से ऐसा सत्य है। किंतु बोध दर्शन की जो मान्यताएं हैं, उसकी जो विचार, उनका जो मत है, वो इससे बिल्कुल अलग है। उसमें हम पाते हैं कि भाषा जो है वो बहुत वेग है, उसमें किसी भी प्रकार की स्पष्ट परिभाषाएं भाषा में प्राप्त करना हमारे लिए अत्यंत कठिन है। तो इससे नेक्स्ट जो प्रश्न उठता है, जैसे कि मैंने अभी कहा, वह यह है कि क्या वस्तुओं के विषय में भी यही कहा जा सकता है? जो साधारण वस्तुएं हैं हमारे सामने, क्या उनके विषय में भी ये कहा जा सकता है, जैसे कि मेज, कुर्सियां, सो ऑन सो फोर्थ। जैसा कि हमने पिछले आख्यान में जाना, इस विषय में चर्चा करने के लिए एक हमारे सामने जो प्रमुखता से एक उदाहरण प्रस्तुत होता है, वह है एक बौद्ध दर्शन का एक प्रमुख ग्रंथ मिलिंदपनः, अर्थात मिलिंद के प्रश्न। वहाँ से एक उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत होता है, जिसमें एक रथ का उदाहरण दिया जाता है। तो रथ को कैसे हम क्या समझते हैं, हमें लगता है कि रथ शब्द से ही, जैसे हमारे सामने रथ शब्द जो है वह हमारे सामने प्रस्तुत होता है, तो हमें लगता है कि हम समझते हैं क्या कि रथ क्या होता है। किंतु अगर हम इसका क्लोजर अगर एग्जामिनेशन करें, तो बुद्ध, जैसा कि हमें विदित है, जैसा कि हमें ज्ञात ही है, मिलिंद से प्रश्न करते हैं कि क्या अगर रथ के पहिए निकाल दिए जाएं तो क्या यह अभी भी रथ है? तो मिलिंद थोड़े असमंजस में पड़ जाते हैं। फिर उनसे कहा जाता है कि अब इसका अगर एक्सल भी निकाल दिया जाए तो अब क्या यह रथ रह गया? अब इसके अंदर जो बैठने का स्थान है सारथी का, अगर उसको भी निकाल दिया जाए तो क्या अब यह रथ रह गया? तो यह यहाँ पर भी हमारे सामने किसी एक छोटी सी अवधारणा, एक रथ की अवधारणा के विषय में ही हमारे सामने किसना असमंजस प्रस्तुत हो जाता है। मान लिया जाए कि अगर हम कोई और दूसरे उदाहरण लें, मान लिया जाए कि अगर कुर्सी के विषय में ही बात की जाए, तो मान लिया कुर्सी के अगर चार उसके लेग्स हैं, तो अगर हम एक लेग को निकाल दें तो क्या अभी भी
कुर्सी कुर्सी ही है। कुछ लोग कहना चाहेंगे हाँ, कुछ लोग कहना चाहेंगे ना, लेकिन प्रमुखता से हम कहेंगे नहीं, ये अभी भी कुर्सी है। अब अगर हम उसके तीनों ही अगर जो लेग्स हैं उनको अलग कर दिया जाए, क्या ये अभी भी कुर्सी है? अब कहना बहुत मुश्किल है। अब मान लिया हम तीन लेग्स को कहें कि निकालने के बाद भी हम कहें कि हाँ ये अभी भी कुर्सी है, लेकिन जैसा ही हम चौथा लेग निकालें और हम कहें नहीं नहीं अब ये कुर्सी नहीं रही, तो तब ऐसे में शून्यवादी दार्शनिक कहेगा कि इसका मतलब ये कि कुर्सी का जो सार तत्व है वह इसकी चौथी लेग में था। जैसे ही उसको निकाला गया, उससे पहले हम जो भी करते रहे कुर्सी कुर्सी ही बनी रही, किंतु जैसे ही हमने उसका फोर्थ लेग निकाला, तुरंत ही जो दूसरा व्यक्ति है वह कहता है कि नहीं नहीं अब ये इसको कुर्सी कहना संभव नहीं है। तो इसका अर्थ तो यह हुआ, इससे शायद हम ये निर्णय निकाल सकते हैं कि जो सार तत्व था, जो मूल तत्व था कुर्सी का, वह उसकी फोर्थ लेग में स्थित था। किंतु ऐसा मानना ये भी बिल्कुल एब्सर्ड होगा, क्योंकि हम जानते हैं लॉजिक हमें क्लियरली सजेस्ट करता है कि यह बहुत ही हास्यास्पद उत्तर होगा। तो इस प्रकार से अगर हम ना केवल जो समूहवाचक जो शब्द होते हैं उनकी परीक्षा करें, तो हम पाते हैं कि उनमें उनमें काफ़ी सारा मतलब एक अस्पष्टता हमारे सामने प्रस्तुत होती है, बल्कि अगर हम उसी प्रकार की परीक्षा करें जो आम वस्तुएं जो हमारे सामने प्रस्तुत होती हैं, जैसे कि हमने रथ तथा कुर्सी के उदाहरण द्वारा जानने की कोशिश करी, तो तब भी हम पाते हैं कि वस्तुएं उतनी स्पष्ट नहीं हैं जितनी कि हमें लगता है कि हम उनको स्पष्टता से जान पाते हैं। अर्थात भाषा से हमें ऐसा लगता तो है कि पहले इस विषय में यह भी जानना आवश्यक है कि जो यथार्थवादी हैं वे प्रमुखता से ये मानते हैं कि भाषा से हमें पूर्णतया जो कोई वस्तु किस प्रकार की है उसको हम वैसा क्या वैसा जान लेते हैं, अर्थात भाषा तथा जगत में एक 1-to-1 करस्पोंडेंस है। वहीं इसके बिल्कुल विपरीत और इससे आगे जा करके हम यह भी कह सकते हैं कि भाषा के अतिरिक्त ज्ञान किस प्रकार का हो सकता है, यानी कि भाषा के क्षेत्र से परे किस प्रकार का ज्ञान हमें प्राप्त हो सकता है, हम किस प्रकार से वस्तुओं को जान सकते हैं, यह जानना हमारे लिए अत्यंत ही कठिन है। अर्थात अगर हम कहें कि भाषा के अतिरिक्त भी कोई ज्ञान हो सकता है, तो वह ज्ञान किस प्रकार का होगा, यह कहना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि यह बताने के लिए भी हमें भाषा का ही प्रयोग करना होगा। तो अर्थात भाषा के अतिरिक्त, भाषा से परे, भाषा के क्षेत्र से परे भी अगर किसी प्रकार का ज्ञान संभव है, तो उस ज्ञान का होना या ना होना बराबर है, क्योंकि उसको संप्रेषित करने के लिए भी, उसको प्रस्तुत करने के लिए भी हमें भाषा की आवश्यकता होगी। और अगर हम, क्योंकि हम उसको भाषाबद्ध नहीं कर सकते क्योंकि वह बाय डेफिनेशन भाषा से परे है, तो हम कभी ये जान ही नहीं सकते कि वह है भी या नहीं। तो इस प्रकार से जो एक वस्तुवादी है वह हमेशा इस प्रकार से ये लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट हमारे सामने प्रस्तुत कर सकता है कि भाषा से परे कोई ज्ञान है या नहीं, उसके विषय में किसी भी प्रकार की युक्ति देना, किसी भी प्रकार की आर्ग्यूमेंट देना हमारे लिए संभव ही नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसी प्रतिस्थापना प्रस्तुत करने पर ही हम एक प्रकार से उसको लैंग्वेज के दायरे में ले आते हैं, क्योंकि लैंग्वेज से बाहर भी कुछ है और अगर हम उसको लैंग्वेज में ही प्रस्तुत कर रहे हैं तो वो सही मायनों में लैंग्वेज से परे है ही नहीं। तो इस प्रकार से जो आस्तिक दर्शन है उनके अनुसार ऐसा कोई ज्ञान नहीं जो कि भाषा के क्षेत्र से बाहर हो, किसी हर प्रकार का ज्ञान भाषा के क्षेत्र में ही आता है। इस प्रकार इस आर्ग्यूमेंट को जो ग्रामेरियंस हैं, जो वैयाकरण हैं, जो कि व्याकरण दर्शन में
के विषय में जिनके ग्रंथ हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं, वे इस मान्यता को और भी आगे बढ़ाते प्रस्तुत होते हैं, जिनमें कि एक प्रमुख व्याकरण दार्शनिक भर्तृहरि प्रमुख हैं। उनके भर्तृहरि के अनुसार निर्विकल्प प्रत्यक्ष, अर्थात ऐसा प्रत्यक्ष जो कि भाषा में बद्ध नहीं है, ऐसा संभव ही नहीं, अर्थात प्रत्यक्ष जो है वह निर्विकल्पक अर्थात भाषा से अलग हो ही नहीं सकता, यह निराधार अवधारणा है। उनके अनुसार प्रत्येक जो प्रत्यक्ष का इंस्टांस है, प्रत्यक्ष कभी भी होता है तो वह सविकल्पक ही होता है, अर्थात भाषा में ही होता है, भाषाबद्ध ही होता है। तो उनके अनुसार जो कॉन्शियसनेस की जो बाउंड्री है, जो हमारी चेतना की जो लिमिट्स हैं, उनकी जो सीमाएं हैं, वही भाषा की सीमाएं हैं। भाषा के अतिरिक्त चेतना क्या है उसके विषय में जानना बहुत कठिन है। तो भाषा जो चेतना जो है वह पूर्णतया भाषाबद्ध है, उसकी संरचना भाषाबद्ध है, शब्दबद्ध है। और जो इसी प्रकार से तत्वमीमांसी रूप से अगर मेटाफिजिकली देखें तो उनके अनुसार संसार भी की भी जो रचना है वह पूर्णतया शब्दबद्ध है, अर्थात जो एक एक वे एक शब्द ब्रह्मन की अवधारणा की प्रतिस्थापना करते हैं, उनके अनुसार शब्द ब्रह्म से ही एक ओर संसार उत्पन्न होता है तथा दूसरी ओर जो भाषा है उसका हम विकास क्रम पाते हैं। अर्थात इससे वे ये भी कहना चाहते हैं कि जो संसार की सीमाएं हैं वही भाषा की सीमाएं हैं, जो भाषा की सीमाएं हैं वही संसार की सीमाएं हैं। इसका अर्थ ये भी हो जाता है कि भाषा के अतिरिक्त संसार क्या है, अर्थात एक्स्ट्रा लिंग्विस्टिक वर्ल्ड में कुछ हो सकता है, इसकी मान्यता का पूर्ण खंडन हो जाएगा अगर हम ये मान्यता रखें कि चेतना की सीमाएं भाषा की सीमाएं हैं तथा संसार की सीमा भी भाषा की सीमा के साथ ही समाप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से आस्तिक दर्शनों में एक ये प्रमुख अवधारणा है कि संसार का जो तत्व है वह भाषाबद्ध सीधे तौर पे ही है या वह भाषाबद्ध हो सकता है। तो उनका जो दर्शन है वह पूर्णतया इस बात पर फोकस्ड है कि जैसे न्याय दर्शन में अगर हम देखें तो हम दार्शनिक रूप से हमारी जो त्रुटि होती है वह केवल ये होती है कि भाषा की जिन कैटेगरीज में, जिन पदार्थों में हमें किसी अमुक वस्तु को जिन श्रेणियों में, जिन पदार्थ में उसको हमें बद्ध करके हमें जानना चाहिए था, उन कैटेगरीज में ना बद्ध करके हम किसी अन्य कैटेगरीज में अगर उसको बद्ध करके देख रहे हैं तो हमें सही प्रकार का ज्ञान उपलब्ध नहीं होगा। तो इस प्रकार से हमें जो पदार्थ हैं उनको, उनके विषय में हमें इंक्वायरी, उनके विषय में जिज्ञासा प्रस्तुत करनी चाहिए। तो इसके बिल्कुल विपरीत जो बौद्ध दर्शन में हम जानते हैं, उनके अनुसार, बौद्ध दर्शन के अनुसार संसार जो है वह एक चलायमान अवस्था में है, वह नित प्रति बदल रहा है, वह प्रतिक्षण बदल रहा है, जैसा कि उनके क्षणिकवाद के सिद्धांत से हम जानते हैं। तो ऐसे निरंतर बदलते हुए संसार में भाषा, जिनकी अवधारणाएं जो एक स्टैटिक होती हैं, वे उसको एक फिक्सिटी में, एक प्रमुख रूप से बांधने की कोशिश करती हैं, अवधारणाओं में बांधने की कोशिश करती हैं संसार को, वे उसके जो चलायमान जो रूप है उसको कहीं पर मिस कर जाते हैं। तो बौद्ध दर्शन के अनुसार ये जो क्षणिक जो संसार है वह भाषा द्वारा जानना उसको संभव नहीं है, उसको भाषा की कोटियों द्वारा, उसको भाषा की कैटेगरीज द्वारा अगर हम जानने की कोशिश करेंगे, उसके परमार्थिक सत्य को अगर हम भाषा के में बद्ध करके अगर हम जानने की कोशिश करेंगे तो यह कभी संभव हो ही नहीं पाएगा। जैसा कि हमने जाना, इसके लिए वे भाषा की जो इनएबिलिटी है, उसकी जो अक्षमता है, उसको उसके उस पर उनका विशेष जो है आग्रह है।
तो बौद्ध दर्शन के अनुसार, जैसे कि हमने पिछले पिछले आख्यान में भी जाना, जो वस्तुएं हैं वो अपने भेद आग्रह के साथ प्रस्तुत होते हैं, यानी कि प्रत्येक वस्तु जो है वो यूनिक, अपने स्वलक्षण जो उसके विषय में जो बिल्कुल यूनिक है, अपना एक स्वलग, अपना एक अलग ही लक्षण के सामने प्रस्तुत होती हैं। किंतु जब भाषा में हम उसको आबद्ध कर देते हैं तो हम उसको एक सामान्य वस्तु के रूप में देखते हैं, हम उसको स्वलक्षण के रूप में नहीं देखते, बल्कि हम उसकी सामान्यताओं को ग्रहण करके उसको एक शब्दाबद्ध रूप दे करके हम उसकी समझ प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, जिसमें कि हम उसकी उसके स्वलक्षण को पूर्णतया मिस कर जाते हैं। तो इस प्रकार भाषा से केवल हमें सामान्य लक्षण जो है वह ही प्रस्तुत होता है, और जो उसका जो एक दूसरा पहलू है संसार का, जो उसका स्वलक्षण है, वह हम पूर्णतया भाषा में आबद्ध ज्ञान से मिस कर जाते हैं। तो इसी प्रकार की जो कुछ प्रतिस्थापनाएं जो हैं, हम शून्यवाद दर्शन में प्रमुखता से अपने सामने प्रस्तुत होती, हमें दिखाई पड़ती हैं। जो इसके अतिरिक्त अगर हम मतलब जैसे कि हमने अभी जो उदाहरणों द्वारा जाना, तो उसी प्रकार से जो सबसे पहला विषय जो जो हमें जो शून्यवाद के विभिन्न ग्रंथों में मिलता है, वह है वस्तुओं की उत्पत्ति। वस्तुएं जो है उनकी उत्पत्ति किस प्रकार से उनको समझा जाए, किंतु जो जो ये प्रत्यय परीक्षा है उसके विषय में हम अपने अलग आख्यान में बात करेंगे, किंतु जो उसका जो प्रमुख जो जो डिबेट है वहाँ पर, जो प्रमुख वाद विवाद है, उसको हम एक दूसरे तौर पर फिलहाल हम समझने की कोशिश कर सकते हैं। अगर हम किसी वस्तु के तत्व के विषय में बात करें कि कोई जो वस्तु है वो किस प्रकार से हमारे सामने उत्पन्न होती है, तो हम अगर इस बारे विषय में प्रश्न करें कि वस्तुएं क्या हैं, वस्तुओं का तत्व क्या है, तो शायद उसका उत्तर होगा कि वस्तुएं जो हैं अपने विभिन्न कॉन्स्टिट्यूएंट्स, अपने विभिन्न अवयवों के सम्मिश्रण से हमारे सामने प्रस्तुत होती हैं। किंतु जो शून्यवादी दार्शनिक है वो वह उसके विषय में ये कह सकता है कि क्या वस्तुएं जो हैं वे अपने पार्ट से आइडेंटिकल हैं, जो उनके विभिन्न अवयव हैं उनसे बिल्कुल तदानुरूप है, उससे बिल्कुल आइडेंटिकल है, तो यहाँ यह कहना मुश्किल है, क्योंकि हम इसका उत्तर शायद सही हाँ में ना देना चाहें, क्योंकि कोई वस्तु जो है वह बिल्कुल अपने भागों द्वारा, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स द्वारा ही परिभाषित नहीं होती, क्योंकि शायद जो वस्तु है, जब कोई विभिन्न भाग, विभिन्न अवयव इकट्ठे होते हैं, उनसे जब हमारे सामने एक जो नई वस्तु प्रस्तुत होती है, वह अपने भागों के सम्मिश्रण से कुछ अधिक होती है। तो और ये जैसा कि हम देखें, अगर इसमें रसायन के क्षेत्र में, केमिकल इक्वेशंस के क्षेत्र में, तो ये बात हमारे सामने प्रमुखता से प्रस्तुत होती है, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनका अगर हम सम्मिश्रण देखें तो वह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन दोनों से कुछ अतिरिक्त, कुछ अलग है, उनसे अधिक है। तो अगर ये क्वेश्चन किया जाए कि आर थिंग्स आइडेंटिकल टू देयर पार्ट्स, क्या जो वस्तुएँ हैं वो बिल्कुल अपनी भाषा अपनी सॉरी अपने अवयवों अपनी जो उसके उनके जो विभिन्न भाग हैं उसके बिल्कुल उससे बिल्कुल तादात्म्य रखती हैं, इसका उत्तर शायद ना होगा, वे उससे कुछ अधिक हैं। किंतु अगर हम कहें कि नहीं नहीं वस्तुएं अपने भागों से, अपने अवयवों से भी शायद कुछ अधिक होती हैं, तो यह है मानना भी, यह मान्यता भी शायद युक्तिपूर्ण ना लगे, क्योंकि अगर ऐसा है तो अगर हम अलग अलग अवयवों को दोबारा से विभाजित कर दें, और अगर वस्तु उन अवयवों से कुछ अधिक है, तो हमारे पास कुछ रिमेंडर बचना चाहिए, हमारे पास कुछ शेष रहना चाहिए। अर्थात अगर मान लिया जैसे कि अभी अभी हमने जैसे मेज का उदाहरण लिया, या जैसे हमने अभी रथ का उदाहरण लिया, तो रथ के अगर हम विभिन्न अवयव, उसके अलग अलग जो भाग हैं, अगर हम उनको अलग कर दें, और अगर हम ऐसा माने कि वस्तु जो है अपने विभिन्न भागों के सम्मिश्रण से कुछ अधिक होती है, तो अगर हम उसके सारे भाग अलग अलग कर दें, तो हमारे पास, क्योंकि वस्तु उनसे कुछ अतिरिक्त थी, तो वह अतिरिक्त हमारे पास शेष बचना चाहिए। किंतु अगर हम ऐसा देखें, तो अगर हम विभिन्न भागों को अलग अलग कर दें, जैसा कि हमने रथ के उदाहरण में देखा, तो हम देखते हैं कि अंततः हमारे पास कुछ भी शेष नहीं बचता।
जो वह वस्तु है वह पूर्णतया विभाजित होती है, हो जाती है तथा एक शून्य के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हो जाती है। तो वस्तु जो है उसके विघटन के बाद हमारे पास कुछ भी शेष नहीं बचता। इसके कारण से यह कहा नहीं कहा जा सकता कि वस्तु अपने अवयवों से कुछ अतिरिक्त है, उससे कुछ ज़्यादा है। अब तीसरी संभावना क्या है? तीसरी संभावना ये है कि शायद वस्तुएं जो हैं वे अपने भागों, अपने अवयवों से बिल्कुल आइडेंटिकल भी नहीं हैं, उनसे अतिरिक्त, उनसे ज़्यादा भी नहीं हैं, किंतु उनसे, अब तीसरी संभावना केवल यह है कि उनसे भी कम है। किंतु अगर हम इस संभावना को भी अगर हम क्लोजर एग्जामिनेशन अगर इसका करें, अगर इसका सूक्ष्म हम परीक्षा करें, तो हम पाते हैं कि ये तो सीधे तौर पर ही ऐसी जो युक्ति है वह संभव नहीं हो सकती। क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हम चीज़ों को, कुछ भागों को, कुछ अवयवों को जोड़ें और वो मिल करके जितनी भी वस्तुएं हैं उससे भी कम हो जाए। यह कहना अधिक युक्तिपूर्ण लगता है कि वह कुछ अतिरिक्त हो जाए, किंतु जैसा कि हमने जाना कि ऐसा भी संभव नहीं है। किंतु यह कहना कि वस्तुएं इकट्ठे हो करके जब हम उनको सम्मिलित करते हैं, जब हम उनको 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 इकट्ठा करते हैं, तो वे जितनी हैं उससे भी कम रह जाएं, यह मैथमेटिकली भी गलत होगा। अगर हम कहें एक प्लस एक जमा एक जमा एक दो है, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वस्तु जो है जब उनको मिश्रण किया जाएगा, उनको इकट्ठा किया जाएगा, तो वे अपने सम से कम नहीं हो सकती। तो ऐसा कहना और भी कठिन है कि वस्तुएं जब उनको इकट्ठा किया जाए तो जितनी वे हैं उनको इकट्ठा करने की प्रक्रिया में वे उससे भी कम हो जाएं। तो इस प्रकार से अगर हम वस्तुओं की उत्पत्ति के विषय में बात करें, वे किस प्रकार से उनका होना संभव हो पाता है उसके विषय में बात करें, तो हम पाते हैं कि वस्तुओं के विषय में ये कहना भी संभव नहीं है कि वे बिल्कुल आइडेंटिकल हैं अपने पार्ट्स के से या अपने जो उनके जो विभिन्न अवयव हैं उनसे पूर्णतः आइडेंटिकल हैं, ऐसा कहना संभव नहीं है। मीनिंग इक्वल टू, वे ज़्यादा हैं, मोर देन से कुछ अतिरिक्त हैं, अपने अवयवों से कुछ अतिरिक्त हैं, अपने भागों से कुछ अतिरिक्त हैं, ऐसा कहना भी युक्तिपूर्ण नहीं जान पड़ता। अपने अवयवों से वे कुछ कम हो जाती हैं, ऐसा कहना तो बिल्कुल भी युक्तिपूर्ण जान नहीं पड़ता। तो अब बौद्ध दार्शनिकों से प्रश्न किया जा सकता है कि अगर वे ना अपने भागों के बराबर हैं, ना अपने भागों से कुछ अतिरिक्त हैं, ना उससे कुछ कम हैं, तो हम वस्तुओं के उत्पन्न होने की प्रक्रिया को किस प्रकार से समझें? तो ऐसे में शून्यवाद का जो दार्शनिक है उसका उत्तर होगा, वस्तु प्रतीत समुत्पाद से उत्पन्न होती हैं। अर्थात वस्तुएँ जब तक हो रहती हैं जब तक कि उनके विभिन्न अवयव उनके साथ प्रस्तुत होते हैं, अर्थात उनकी जो एग्जिस्टेंस है, उनका जो होना है, वह मानो एक बोरोड एग्जिस्टेंस होती है, उनकी एक उधार ली हुई एग्जिस्टेंस होती है। तो सही मायनों में वस्तुएं होती भी हैं और एक अगर उसको सूक्ष्मता से देखा जाए तो वे नहीं भी होती। अर्थात जैसे कि अगर हम खुद का ही उदाहरण लें, तो हमारा होना प्रतिपल इस बात पर निर्भर करता है कि वायु हम प्रतिपल ग्रहण कर रहे हैं। अगर हम वायु को ना ग्रहण करें तो हम अगले ही मिनट शेष नहीं रह जाएंगे। इस प्रकार से हमें प्रतिपल कुछ समय बाद हमें जल की आवश्यकता होती है। अगर हमें बहुत लंबे अंतराल तक जल ना मिले तो हमारे लिए जीवन संभव नहीं हो पाएगा। तो और इसी प्रकार से भोजन की हमें प्रतिदिन आवश्यकता होती है। कुछ दिनों तक अगर हम भोजन के बिना रहें तो हमारा जीवन संभव नहीं हो पाएगा। इस प्रकार से देखें तो हमारी जो एग्जिस्टेंस है, हमारा जो जीवन है, हमारा होना, वह दूसरे अवयवों से उधार लिया हुआ होता है। अर्थात वह जब तक है जब तक कि उसको जो उसके जो अवयव हैं उनको सस्टेन कर रहे हैं, उसको
हमारा जो किसी भी वस्तु का होना इन अर्थों में दूसरे कुछ अवयवों के होने द्वारा सस्टेन होता है, और जब तक वे अवयव रहते हैं, उसको सस्टेन करते हैं उस वस्तु को, वह वस्तु तब तक रहती है। जैसे ही वे अवयव विघटित हो जाते हैं, वस्तु भी विघटित हो जाती है। तो इस प्रकार से वे एक मध्यम मार्ग प्रस्तुत करते हैं कि वस्तुएं ना तो शाश्वत रूप से हैं, ना कि हम ये कह सकते हैं कि बिल्कुल नहीं ही हैं, बल्कि एक बीच की स्थिति जहाँ वे उनको एक बोरोड एग्जिस्टेंस के रूप में देखते हैं। तो दर्शकों, आज के लिए इतना ही। इस विषय में हम अपने अगले व्याख्यान में और बात करेंगे। धन्यवाद। और इसी के साथ हम धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर अजय वर्मा को। तो मित्रों, हम यही चाहेंगे कि आपके जो भी प्रश्न हो, सुझाव हो, आप हमें मेल कर सकते हैं info.cc@nic.in पर। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।